जय हिंद। स्टूडेंट समझेंगे कि अभी वर्तमान में कैंपस एक्टिवेयर, रेनबो मेडिकेयर तथा LIC का GMP क्या चल रहा है, तथा अभी तक जिन लोगों को रेनबो मेडिकेयर और कैंपस एक्टिवेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला है, जिनके शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में क्रेडिट नहीं किया गया, उन्हें अब क्या करना है, तथा यह भी बताऊंगा कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हमें LIC के IPO के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, या जो लोग पहले से LIC के IPO के लिए अप्लाई कर दिए हैं वो अपने आप को ठगे हुए तो नहीं महसूस कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर एकदम आसान भाषा में बात होगी, बस आप लास्ट तक बने रहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले कैंपस एक्टिवेयर की बात होगी। देखिए कैंपस एक्टिवेयर का आज के दिन का अगर आप GMP देखेंगे, GMP मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि एक शेयर के बदले लोग कितना रुपए अधिक देने के लिए तैयार हैं, तो यह घटते बढ़ते रहता है। तो देखिए अभी कम होकर आ गया 62-65 रुपए के आसपास, अभी तक अधिकतम गया था इसका GMP 92 रुपए तक, यानी कि एक शेयर के लिए लोग इसको 92 रुपए तक अधिक देने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वर्तमान में 62 के आसपास चल रहा है और शाम 7 बजे के आसपास यह नया अपडेट होगा, उस समय तक हो सकता है कि और डाउन चला गया रहे, लेकिन वर्तमान में यही है। इसका अलॉटमेंट आज यानी कि 6 मई के दिन होने वाला था, बहुत से लोगों को इसका शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में आ भी गया होगा। जिनको नहीं आया होगा तो देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, अलॉटमेंट जिस दिन होता है उस दिन तक सामान्यतः शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, बहुत से लोगों के शेयर्स अगले दिन भी क्रेडिट होते हैं, इसलिए आप तनाव मत लीजिएगा कि आपका पैसा कट गया है लेकिन आपको शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है, अलॉटमेंट हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 9 मई के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है, लिस्टिंग अच्छे होने की उम्मीद है इस गिरते बाजार में भी, इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं लेना। अब हम लोग बात करते हैं रेनबो मेडिकेयर का। देखिए रेनबो चिल्ड्रन आपको पता है अस्पताल के प्रबंधन से जुड़ा हुआ कामकाज करता है। जब इसका IPO ओपन होने जा रहा था तभी बताए थे जानकार कि इस IPO से आप बहुत बड़ा उम्मीद मत रखिएगा, बहुत बड़ा लिस्टिंग इस IPO से मिलने नहीं जा रहा है। वर्तमान में देखेंगे तो इसका GMP सिर्फ 28-30 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि एक शेयर पर लोग सिर्फ 28 रुपए अधिक देने के लिए तैयार हैं और ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर आप अप्लाई कर दें तो अब तो कोई बात उसमें करने को है नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो उतने भी चिंता की बात नहीं। भारत में लगभग हर एक IPO ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है और मैक्सिमम IPO में रिटर्न मिल ही जाते हैं। अब सवाल यह है कि लिस्टिंग के दिन तक कितना GMP रहेगा, उस हिसाब से आपको इसमें पैसा बनेगा। अलॉटमेंट कल ही इसका हो गया था 5 मई के दिन, बहुत सारे लोगों को शेयर्स कल ही क्रेडिट कर दिए गए थे, हालांकि बहुत सारे लोगों को आज भी उनके शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में क्रेडिट किए गए हैं। तो ऐसे होता है कि जिस दिन अलॉटमेंट अगर नहीं मिलता उसका अगले दिन मिल जाता है। इसका लिस्टिंग होगा 10 मई के दिन, 10 मई के दिन जो यह कंपनी है NSE और BSE पर आ जाएगी, उस दिन आप इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने बहुप्रतीक्षित IPO LIC के बारे में बात करते हैं। देखिए LIC का GMP वर्तमान में चल रहा है 52 रुपये के आसपास, यानी कि एक शेयर पर लोग 52 रुपये अधिक देने के लिए तैयार हैं, जबकि इसका अधिकतम GMP देखिएगा तो 70 रुपये के आसपास तक गया था और उसके बाद से यह लगातार कम होता जा रहा है। इसके पीछे आपको कारण है कि RBI के गवर्नर ने अचानक आकर रेपो रेट बढ़ा दिया था, उसके बाद से मार्केट डाउन जा रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन उसका असर LIC के IPO पर उसके अप्लाई करने वालों के लोगों के दिमाग पर पड़ा है, वो इसको थोड़ा कम तरीज दे रहे हैं। लेकिन RBI के गवर्नर के उस बयान के बाद इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 1.23% हो गया, यानी कि जितना इसको भरना था उतना यह भर चुका है और कहीं उससे अधिक ही भर चुका है। आसान भाषा में कहें तो सरकार के खाते में 21,000 करोड़ आ चुके हैं या उससे अधिक ही आ चुके हैं। लेकिन फिर भी 9 मई तक का दिन है आपके पास और आप जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या तमाम रिटेल निवेशक भी लास्ट डे ही उसमें अप्लाई करने के लिए ज़्यादा उतावले देखते हैं, क्योंकि उस दिन तक सारा डाटा क्लियर हो गया रहता है। हालांकि अभी भी यह फुली सब्सक्राइब हो गया है और LIC का IPO एक ऐसा IPO है जिसमें लगभग 6-7 दिन तक आपको टाइम मिल रहा है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके पहले जितने भी IPO देखे गए हैं सब में 3 ही दिन टाइम मिलता है, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, संडे के दिन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ समझिए इसका अलॉटमेंट हो जाएगा 12 मई के दिन, यानी कि 12 मई के दिन इसके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तब। और यह लिस्टिंग हो जाएगा 17 मई के दिन NSE BSE पर। तो अगर किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 मई के दिन इसके शेयर्स को बाई कर सकता है और चाहे तो उसमें ट्रेडिंग करना भी शुरू कर सकता है। अब आता है हमारा यक्ष प्रश्न, क्या हमें LIC के IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए जबकि बाजार प्रतिदिन हजार पॉइंट नीचे की तरफ टूट रहा है। देखिए इसका बहुत सीधा और सरल जवाब है कि हाँ, आपको बिल्कुल LIC के IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि LIC का 62% मार्केट शेयर है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, घाटे में नहीं है। और LIC के अगर सिर्फ आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तभी आपके लिए चिंता की बात है, हालांकि उतनी भी चिंता की बात नहीं है। अगर आपको मान लीजिए लिस्टिंग गेन के दिन जबरदस्त लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, हल्का नुकसान हो जाता है, हालांकि नुकसान होने की कोई बात ही नहीं क्योंकि आप फिर भी 40-45-60 रुपए के छूट के साथ इसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको हल्का नुकसान होता है तो आप 2-4-5-10 दिन तक और रुक जाइएगा। क्या आप 1 सप्ताह नहीं रुक सकते हैं? 1 सप्ताह के अंदर बाजार जरूर ऊपर आएगा और जैसे बाजार ऊपर आएगा आपको हल्का फुल्का प्रॉफिट होगा, आप वहां पर बेच के निकल जाइएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तब तो आपके लिए बिल्कुल सोचने और चिंता की बात नहीं, बेशक अप्लाई कीजिए, 2-4-5-10 जितने अलॉट के लिए करना है कीजिए बिल्कुल। आपको भारत में वैसे भी कोई भी IPO हो ओवर सब्सक्राइब
टाइप होता है, और उसका सब्सक्रिप्शन जो होता है, जो लिस्टिंग गेन होता है, वो जबरदस्त मिलता है। जबरदस्त नहीं भी मिले तो आपको नुकसान तो लगभग नहीं ही होता है। अब थोड़ी सी बात आरबीआई के गवर्नर की कर लेते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है आरबीआई में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि एलआईसी की लिस्टिंग सफल हो, वरना अचानक से आरबीआई के गवर्नर आकर रेपो रेट नहीं बढ़ा देते, जबकि यह काम अगले माह जून में होना था। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि रेपो रेट 5 तारीख को जिस दिन एलआईसी का आईपीओ खुला उसी दिन करना था। मुझे लगता है कि सरकार के विनिवेश डिपार्टमेंट और आरबीआई के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसी कारण से, या जो भी कारण अब हमें स्पष्ट नहीं पता, लेकिन ये इतनी भी जरूरी चीज़ नहीं थी। आरबीआई के गवर्नर 2-4-5-10 दिन रुक जाते हैं, या कम से कम 9 मई तक रुक जाते हैं आईपीओ क्लोज होने के दिन तक, तो कुछ खास नुकसान नहीं हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।